लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत संपूर्ण महागठबंधन के द्वारा अब तक एक भी अल्पसंख्यक प्रत्याशी नहीं उतारे जाने के विरोध में अकलियतों की गोलबंदी होने लगी है। शुक्रवार को कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में नया बाजार इलाके में एक बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत किया। सभी ने एक स्वर में झारखंड के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम समाज से कैंडिडेट देने की मांग की और कहा कि जब तक लोकसभा के लिए उनके समाज से कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जाती, उन लोगों का यह विरोध जारी रहेगा। न सिर्फ कांग्रेसी नेताओं ने बल्कि वहां मौजूद आवाम ने भी सबसे अधिक विरोध कांग्रेस का किया और आरोप लगाया कि पार्टी आलाकमान को कुछ लोगों ने बरगलाने का काम किया है। यही वजह है कि अब तक किसी मुस्लिम कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। क्या यह 18% की आबादी वाली कौम सिर्फ वोट देने की मशीन है? ऐसे में उन लोगों की भावनाओं का कद्र नहीं किया गया तो यह विरोध और अधिक तेज होगा। अभी समय है, हम कह रहे हैं कि आप अकलियत को एगो दीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा। देखिए भविष्य नहीं, पूरे झारखंड की बात हो रही है। ये आप लोग इसमें पर मत जाइए, हम बार बार कर रहे हैं कि धनबाद का प्रत्याशी हो, चाहे कोडरमा का प्रत्याशी हो, चाहे गिरिडीह की प्रत्याशी हो, हमको किसी से विरोध नहीं है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, 14 लोकसभा में एक चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और हम अपने आला कमान के पास भी इस बात को रखे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पास रख रहे हैं, मीर साहब प्रभारी है हमारे, उसके पास रख रहे हैं, जेएमएम के जो मुख्यमंत्री है उनके पास भी इस बात को। हम लोग कमेटी बनेगी और हम लोग जाकर के संतावना मिला है जाएंगे, मिलेंगे उनसे, अपनी बातों को तो रखेंगे कि ये पूरी आवाम, पूरी झारखंड का पूरे आक्रोश है इस लोकतंत्र के हिस्सेदारी नहीं बनने पर। हम उनके पास उस बात को रखेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनती, उसके बाद फिर आप लोग हैं आगे की रणनीति, उसके बाद रणनीति होगी उसकी। लीजिए मुख्तार भाई से बात। देखिए, जब राहुल गांधी यात्रा किए थे तो उनका एक नारा था कि जितनी जिनकी आबादी उतनी उनकी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी जो नहीं मिली तो खास करके झारखंड के मुसलमानों के बीच भारी आक्रोश है कि जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो आस्था है, उस लोकतंत्र के मंदिर में झारखंड की आवाज़ हमारी कौन उठाएगा? जब हम मुसलमान ही नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? तो कम से कम हम एक उम्मीदवार की मांग करते हैं कि हमें एक उम्मीदवार दिया जाए और आलाकमान, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को सुनेगा और एक उम्मीदवार हमें देगा। अगर नहीं ऐसा होता तो हमारा आंदोलन जाएगा। हम लोग नया बाजार में बैठक कर रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ से नेक्स्ट बैठक 8:30 हम लोग गोविंदपुर में रखवाए हैं। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का क्या राय है, जनता के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं। अधिकार जितना हम लोग को 18% हिस्सेदारी है मुसलमानों की, हम लोगों को कम से कम लोकसभा में 3 सीट डिजर्व करते थे हम लोग, मगर हम लोग को एक भी नहीं मिला। हम लोग की मांग यही आलाकमान से, हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं मगर गठबंधन के सारे आलाकमान के नेताओं से हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक सीट पे भी हम लोग को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और 5 से 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव, 12 से 15 सीट 81 में से 12 से 15 सीट हम लोग के हिस्से में आती है। ईमानदारी से हम लोग को उतना हक मिलना चाहिए, काहे कि हम लोग का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में और लोकसभा में जाए। जब हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा तो हम लोग किसके सामने बात को अपना रखेंगे? यही हम लोग का डिमांड। हम लोग किसी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब घोषणा सबों के प्रत्याशियों के नाम की हो गई है। ऐसे में क्या चाहते हैं कि नाम कैंसिल करके यहाँ से देखिए दिया जाए? वो आला कमान निर्णय लेगा, हम लोग अपनी बातों को आला कमान के सामने रख रहे हैं, आप लोग के माध्यम से, अपने माध्यम से। और निश्चित रूप से हम लोग को पूर्ण भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के जो आला नेता हैं हम लोगों को मांगों को मानेंगे। इस तरह का जो मांग है केवल धनबाद में नहीं हो रहा, अगर आप सोशल मीडिया देखिए, प्रेस देखिए, रांची में भी ये डिमांड हुआ है, जमशेदपुर में भी हुआ है और धनबाद में भी जो कांग्रेस के आला नेता हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं इसमें आगे आए हैं, कांग्रेस RJD JMM के, और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनका फीडबैक ले। जहाँ तक समाज चाहेगा, जहाँ तक हमारे लोग चाहेंगे, हर स्थिति से गुजरने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये मान लेते हैं आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी, मांगे नहीं मानी जाएगी, आश्वासन फिर मिलेगा? ऐसा मत मानिए, क्योंकि
राहुल गांधी हमारे नेता, निश्चित रूप से कहीं पर ही बीच में गलतियां हुई है। राहुल गांधी जी काफ़ी मैंने इस चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, और जब पूरा देश का माहौल बदला है, उनका लगातार मेहनत रहा है, और हम भी चाहेंगे जिनसे गलतियां हो रही है वो हमारे नेता राहुल गांधी जी का मेहनत पर पानी नहीं फेरेंगे। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा, आप आश्वस्त रहें। अच्छा, अभी समय कम है, अब चूंकि दो चरण का ही पार हो गया चुनाव, लोकसभा को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं, ऐसे में कोई समय सीमा का निर्धारण किया आप लोगों ने, कितना दिन में आप लोगों की मांग हो जानी चाहिए? हम तो बोल रहे हैं कि मांग ये समाज पर, हमारा समाज जहाँ तक ले जाना चाहेगा हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब समाज क्या आगे निर्णय लेता है, वो क्या करना चाहता है, वो कैसे कह सकते हैं? तो मतलब आज की बैठक में ऐसा कोई निश्चितता तय नहीं की गई है? नहीं नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा हक और अधिकार मिलना चाहिए। किसी के एक पूरे समाज को, समाज के किसी हक से वंचित रख कर निश्चित रूप से हम लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इधर 14 सीट है अल्पसंख्यक सीट, पूरा इसमें विधानसभा सीट 14 है पूरे झारखंड में, उसमें एक सीट रिजेक्ट नहीं। हम क्या, हमारी पहचान का ये बात है, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम क्या हैं और हमारी पहचान क्या। हम सिर्फ वोटर हैं, हमारी पहचान कुछ भी नहीं, हमें अपना पहचान चाहिए, हमको पहचान चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं अभी आपकी मांग पूरी होती है तो क्या प्लान है आपको? वो प्लान बाद में बताएंगे, वो अभी नहीं बता सकते। वो हमारे जो नेता हैं, जो हमारे शमशेर भाई ने कहा, मुख्तार अंकल ने कहा, जो वो कहेंगे हम उनके साथ वही करेंगे। मतलब जो इन लोगों का बैठक जी, उनके बैठक में हम उनके पीछे हैं, वो जो कहेंगे हम उनके साथ हैं, हम उनसे पीछे नहीं हैं, उनसे हट के नहीं हैं। हम जो हैं उनके कहने पे हम चाहेंगे, आज उनके कहने पे यहाँ आए हैं, उन्हीं के कहने पे वोट भी जाएगा, अब जिसको वोट जाए। लेकिन आप युवा हैं, हम युवा, हम जानते हैं कि हमको किसको वोट देना है, कैसे देना है, लेकिन हम भी तो मुसलमान हैं, मेरा भी तो अधिकार है, हम भी तो वोट हम देते हैं, वोट किस पे दें, किस चीज़ पे दें आपको वोट, आखिर क्यों दें वोट हम? हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं, हम मशीन है, वोट मशीन है कि हम आपको वोट दे के जिताएं और आप जाके किसी और को दे दीजिए। हम खाना, हम बिरयानी बनाए हम और पकाए हम और खिलाइए आप किसी और को, ऐसा होता है, पका उका के हम दे दें और आप किसी और को खिला दीजिए। क्योंकि समय कम है, ऐसे में लगता है कि मांग पूरी हो। देखिए समय का बात नहीं है, आप कुछ अभी नहीं है, इसके बाद 6 महीना बाद ये है विधायक का चुनाव, ठीक है उसमें तो देंगे। अच्छा मतलब लोकसभा में ना दें, विधानसभा में तो चलेगा, किसी में तो देंगे भाई, अभी टाइम कम है, हम लोग देरी कर दिए, उन्होंने अपना प्रत्याशी चुनने में कितना देरी किया ये पता है आपको? अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने प्रत्याशी चुना है, तो उन्होंने एक सप्ताह पहले चुना, कहाँ से कहीं से उठा के लिया। हम वोट जिसको देना हम तो देंगे ही देंगे, हमको जहाँ वोट देना सबको पता किसको कहाँ वोट देना, पर हमें चाहिए अपना हक, हम अपने हक के लिए भाई हम ये जो मीटिंग है। मेरा नाम अरतम सागर। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग तुरंत मीटिंग करने लगे हैं, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी में जो बनी थी उसमें हम भी हैं, हमने इस बात को रखा था कि पहले 2 सीट मिलती थी धनबाद झारखंड में, उसके पहले एक काटा, उसके बाद दूसरा भी काट दिया, तो कल हो करके ये भी हो सकता है कि विधानसभा में भी और कटौती कर दे, अभी 2-3 देता है तो और ख़त्म कर दे। मेरा कहना है कि हम लोग जब मेरी भागीदारी है तो ही राहुल जी के कथनानुसार हमको हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। झारखंड से एक भी पार्लियामेंट में मेरा नहीं जाएगा, आप हमको दीजिए। तो उनका कहना, कुछ का कहना है कि 14 में नहीं जीता, 19 में नहीं जीता, तो जीता कौन उसका भी नाम बता दीजिए। जब वो भी नहीं जीता तो हमारा भी नहीं जीतते, अब बहुत कम वोट से फुरकान अंसारी हारे थे, आप उसको ख़त्म कर दिए, छोड़िए फुरकान अंसारी बुरा हो गए थे। तो यहाँ किसी को पत्नी को ला के दे सकते हैं तो वहाँ भी उसके बहू को दे देते। आप इरादा तो ठीक रखिए, हमको आला कमान तक, आला कमान में बहुत सारे गलत फीडबैक देते हैं, उसको भी उजागर करना है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि 18% मेरी आबादी है, हमको मेरा हक मिलना चाहिए। 4.5 साल सरकार को हो गई है, सुन लीजिए, अभी तक मदरसा बोर्ड का गठन नहीं, हम आपके पास नहीं बोल रहे हैं, हम ये हम अपने अध्यक्ष समेत सभी को ऊपर रख दिया है बात को,
हम अपने प्रभारी तक रख दिया है बात को कि हमारा मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, हमारा उर्दू बोर्ड का गठन नहीं हुआ, हमारा वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। तो ये अनदेखी भी हम देख करके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अंतोगत्वा हमको तो वोट इन्हीं लोग से मांगना है। तो हम अपना अधिकार के लिए हमने इस बात को रखा है कि हमको मेरा हक मिलना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले एक राज्यसभा में आपके यहाँ से भेजा गया सरफराज साहब, वो पिछला दरवाजा को हम लोग नहीं मानते हैं जी। पिछला दरवाजा है, लोकतंत्र का असली दरवाजा यही है, क्योंकि समय सामने के दरवाजा से चाहिए। वो तो उच्च सदन है जी, ठीक है, उच्च सदन में रखिए, सामने वाला चाहिए। ये गवर्नर जो होता है बहुत ऊंचा होता है, मगर चलता है सीएम का। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है? आज वही त्यौहार लोकसभा का चुनाव, लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जाएगा। ये चुनाव चल चुका है लोकसभा का, उसी को लेकर के पूरे झारखंड की अकलियतों में भारी आक्रोश है। आक्रोश का कारण यह है कि 18% अकलियत जो सदियों से कांग्रेस को वोट देता आ रहा है, यहाँ पर जेएमएम है उनको भी वोट अकलियत के द्वारा वोट किया जाता है, जो सरकार भी बनी झारखंड में। अफसोस इस बात का है कि 2019 में जब लोकसभा की चुनाव हुई उसमें भी अकलियतों की कोई भागीदारी नहीं दिया गया। हम लोग बर्दाश्त किया, सारे आवाम ने बर्दाश्त किया, चलो भाई फिरकापरस्ती ताकतों से लड़ना है, संविधान के हथियारों से लड़ना है। 2024 की जब बात आई, अभी टिकट की जब बंटवारे की बात आई, 14 लोकसभा में घोषणा कर दिया गया जिसमें एक भी अकलियत को भागीदारी नहीं दी। ये कैसा लोकतंत्र है? एक तरफ कह रहे हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना, अगर उस लोकतंत्र के महापर्व में अकलियत की भागीदारी नहीं हो, वो चुनाव नहीं लड़े, क्या हम लोकतंत्र के रक्षक नहीं हैं? हम सिर्फ कुर्बानी देते आए। अकलियतों ने देश की आज़ादी में बहुत भारी मात्रा में अपनी कुर्बानियां दी। आज संविधान बचाने की बात है, तो क्या अकलियत का अधिकार नहीं है कि उस संविधान बचाने में हमारी भी हिस्सेदारी हो? जब देश की आज़ादी में हमारी हिस्सेदारी थी, तो निश्चित रूप से आज भी हमारा हिस्सेदारी होना चाहिए। आज झारखंड के सारे लोग जो अकलियत हैं 18%, वो कह रहे हैं कि हमारा अधिकार कहाँ है, हमारा अधिकार से बेदखल क्यों किया गया। उसी बात को लेकर के, चूंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी से आते हैं, हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे में जाते हैं, लोगों से हम लोग जूझना पड़ रहा, हम लोग को तरह तरह की ताने दिया जा रहा है कि दरी बिछाते रहेंगे हम लोग, क्या झंडा ढोते रहेंगे, क्या हम लोग का भागीदारी नहीं होगा क्या? तो धनबाद से जो प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है, आप लोग उसके समर्थन में हैं या विरोध में? एक बात बता दे रहे हैं आपको, ये बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, एकदम खुल करके आपके सामने आज बात कर रहे हैं प्रेस के सामने, हम लोगों का किसी भी उम्मीदवार का विरोध नहीं है। हम क्यों विरोध करें भाई? हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपने आला कमान से अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी प्रत्याशी से क्यों विरोध करें हम उसका क्यों विरोध करें? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अकलियत अपना अधिकार मांग रहा है कि भाई 14 सीट में हमको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, जो आपने नहीं दिया है। हम लोग आला कमान से आज भी ये बोल रहे हैं कि समय रहते अकलियतों के बीच में आ करके आप अपनी बातों को रखें कि आप अकलियतों के लिए क्या कर रहे हैं, चूंकि हम आपको ही वोट देते हैं, आपको ही देंगे भी, मगर कैसे दें? बार बार अगर अकलियतों को इस तरह का धोखा कर रहे हैं, वो नहीं सुनेंगे, नहीं बैठेंगे, प्रत्याशी नहीं देंगे, तो अंततः क्या? देखिए देखिए एक बात बता दे रही है, ये देखिए ये रीढ़, हम लोग जो अकलियत समाज से आते हैं, अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, जब मेरा रीढ़ ही नहीं रहेगा तो फिर हम किस पार्टी में रहेंगे? मेरा तो यही है हमारा समाज ना, मेरी ताकत तो ये है ना। तो अभी तो सीटों पर घोषणा उम्मीदवार के नाम के हो चुकी है, बहुत जो लोकसभा की बात तो नहीं मानते। देखिए इस तरह का विरोध होगा, वोट नहीं करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे, नोटा दबाएंगे। एक बात सुनिए लोग, अभी ये बात हम बाद में आपको बताएंगे, अभी तो हम लोग अपना जन जागरण में लगे हुए, जो आक्रोश है लोगों में, हम उनके बीच जा रहे हैं कि हम कैसे इस गड्ढा को भरे ताकि महागठबंधन को नुकसान ना हो।
अगला कदम होगा कि अगर नहीं होगा तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा भी देने, हम लोग वो करेंगे ऐसा नहीं है, मगर अभी हम तो अभी समय है तो हम अभी कैसे बता दें कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम विरोध उसका करेंगे, ये कोई विरोध विरोध का बात नहीं है। हम अपना अधिकार मांगने के लिए, अकलियतों का अधिकार कहाँ पे है ये बता दे हमारे आला कमान, हमारे माननीय राहुल गांधी कहते हैं ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो आबादी तो जितनी भागीदारी जो आबादी है इस कौम का वो तो सारे कांग्रेस को और महागठबंधन को के तरफ वोट किया, 19 में भी किया आपका, देखें आपका वो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, सरकार बनाई पूरी अकलियत ने, झाड़ करके वोट दिया, एकदम झूम करके वोट दिया। तो आज सवाल है, देखिए सवाल है, आपका 4 साल हो गया है झारखंड की सरकार बने हुए भी, 4 साल हो गई, बोर्ड निगम में भी जो अकलियतों को जो स्थान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला। सुनिए ना, पार्टी ने आप लोगों के